ये वेमो की सेल्फ ड्राइविंग कार एक ट्रैफिक कोन की वजह से रास्ते में रुक गई। अब इंजीनियर को बुलाया ठीक करने, बट उसके आते ही अपने आप भाग गई। ये और भी जोरदार, टेस्ला की गाड़ी धीरे धीरे चल के प्राइवेट जेट के पीछे घुस गई। दिस इज वाई वी लूज मनी। कितनी उम्मीदों से हम एक मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं, ये उम्मीद हमको डुबाएगी, क्योंकि जब जब दुनिया में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है उस प्रोसेस में 80% कंपनीज शहीद हुई है। ड्राइवरलेस कार्स को ही देख लो, मैकिन्ज़ी की रिपोर्ट ने रिवील किया कि 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट के बाद भी ये रेडी नहीं है, एंड इस सेक्टर की छोटी कंपनीज का वैल्यूएशन 90% तक ड्रॉप हो चुका है। इससे क्या लेसन मिलता है कि जिस फ्यूचर में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज वेब 3, AI, ब्लॉकचेन, ड्राइवरलेस कार्स, इस फ्यूचर में आज की 80% कंपनीज का कंट्रीब्यूशन जरूर रहेगा, बट हो सकता है ये कंपनीज खुद ना रहें। इनके काम का फायदा उन 20% कंपनीज को मिलेगा जो स्ट्रॉन्ग है, कैश रिच है, जैसे गूगल, एप्पल, टेस्ला, मेटा, एंड दीज कंपनीज माइट एंड अप मेकिंग 80% ऑफ द वेल्थ। तो अगर हम ऐसे स्टेबल एंड मार्केट लीडर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली इमर्जिंग टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट बहुत कम रिस्क के साथ। एंड ये यूएस स्टॉक्स खरीदने के लिए मैं यूज करता हूँ वेस्टेड ऐप, क्योंकि जीरो ब्रोकरेज है, जीरो फीस है, एंड तुरंत पैसा यूएस पहुंचता है। 28 तक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल चल रहा है, वेस्टेड ऐप से इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। इसका ऑफर लिंक मैं पिन कमेंट में दे रहा हूँ, डू चेक इट आउट।